तो जी बिहार में एक बार फिर खेला हुई गवाह है। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए, एक बार फिर भाजपा की गोद में बैठ गए। एक ही तो दिल है नीतीश जी, कितनी बार जीतिएगा? पहली बार आपने तब जीता था जब आपने ये कहा था, आज जिस तरह से वो बाकी सब के साथ कर रहे हैं हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। जी हाँ, आप वहां नहीं रुके थे, आपने उसी बात को दोबारा दोहराया था, आपने फिर ये कहा था और ये तक कह दिया था कि मर जाएंगे मगर भाजपा के पास नहीं जाएंगे। सुनिए, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मगर आज नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने आए और कहा कि गठबंधन में वो बात नहीं बन रही है। आप एक चीज नोटिस करेंगे जब मैं उनका बयान सुनाऊंगा दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब आप पुराना गठबंधन छोड़ते हैं ना तो पुराने गठबंधन को गालियां देते हैं। शायद नीतीश कुमार की आंखों में थोड़ी सी शर्म बची हो या थोड़ा सा पानी बचा हो जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कह पाए। आज पत्रकारों के सामने उन्होंने जिस तरह से बात रखी, देखिएगा नीतीश कुमार खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आखिर कितनी बार पलटी मारिएगा। जी सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा कि आखिर नीतीश कुमार ने बड़ी पलटी क्यों खाई। हालांकि इसका इशारा मैं आपको अपने कार्यक्रम में पहले कर चुका हूं कि वो ऐसा फैसला क्यों कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर आज जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं का जो दोहरा मापदंड है वो सामने उभर कर आया। सबसे पहले पार्टी के प्रवक्ता अब जाकर राजद के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सुनिए माननीय नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से हमने जो है राजद का साथ छोड़ दिया, यानी कि भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है। सुनिए माननीय नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। राजद नेतृत्व बेचैन है, बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। यानी कि 1.5 साल से आप राजद के साथ रहे तब आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया, अब जाकर आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीरज कुमार भी जानते हैं कि प्रदेश की जनता देख रही है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत जोरों से जमीन की तरफ जा रही है और आप जब बार बार एक राग लापते हैं जिसकी कोई जमीन ना हो तब जाहिर सी बात है आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। केसी त्यागी, कायदे से नेता, मुझे बहुत पसंद है, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है, कांग्रेस के अड़ियल रवैये ने इसे तार तार कर दिया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बंगाल में ममता भी दुखी हैं। ये बात कह रहे हैं केसी त्यागी। अब ऐसे में केसी त्यागी से एक सवाल जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर कीजिए, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव हो। हालांकि मैं बता दूं अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें दी, उसी तरफ से ममता बनर्जी की भी बात करें वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं मगर वो बीजेपी की गोद में जाकर नहीं बैठी हैं। आज जो केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अड़ियल रुख की वजह से हमें ये फैसला उठाना पड़ा, बड़ा सवाल यहां पर
क्या आप अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर सकते हैं? केसी त्यागी साहब, आप तो निहायत ही सेक्युलर आदमी हैं, धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं। नीतीश कुमार भी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहते थे, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का अड़ियल रवैया था, आपने गठबंधन को तोड़ दिया और भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। भाई, आप वही कर सकते थे जो बात ममता ने की या फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में की। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करते, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अब भी लग रहा है कि वो 80 के दशक में है या साल 2004 से 2014 के बीच में है जहां वो सत्ता में है, और उसका वो अहंकार सामने उभर कर आता रहता है। और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, अजय राय हो, कमलनाथ हो, इन तमाम नेताओं की वजह से कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है तमाम उन राज्यों में जहां पर उनका गठबंधन है या हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है, मगर अगर कांग्रेस के अड़ियल रवैये की दुहाई देनी थी तो आप उन्हें कोई सीटें ना देते। सीधी सी बात हो सकती है और तेजस्वी भी आपकी बात मान जाते। हकीकत कुछ और है दोस्तों। मैं आपका परिचय दो लोगों से करवाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। यह हैं अशोक चौधरी, जो पहले कांग्रेस में नेता हुआ करते थे, और यह हैं विजय चौधरी, जो कि वित्त मंत्री हैं बिहार के। दोनों अब जनता दल यूनाइटेड में। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और इसका जिक्र मैं पहले अपने शो में कर चुका हूं, मगर आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि नीतीश कुमार ने कदम क्यों उठाया। इसकी वजह ये दो नेता हैं, ये दो नेता जो लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का फायदा उठाते रहे, उनके खराब स्वास्थ्य का फायदा उठाते रहे, उन्हें ये लगातार बताते रहे कि देखिए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और उससे पहले भी जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, अगर आपने राजद के साथ चुनाव लड़ा तो आपको 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अब हो सकता है यह बात सही हो, मगर यह भी हो सकता है कि यह बात गलत हो। मगर बड़ी बात कि आप अभी से भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात, अगर भाजपा को लग रहा था कि राम मंदिर के आधार पर उसे वोट्स मिल रहे थे, अपने दम पर उसे 400 सीटें मिल रही थी, तो भाई नीतीश कुमार, जिनके बारे में अमित शाह ने कहा था कि भाई सवाल ही नहीं हम अपने पार्टी में शामिल करें, उन्हें आप अपने खेमे में क्यों शामिल कर रहे हैं भला? याद है कि नहीं आपको अमित शाह ने क्या कहा था? फिर सुनते हैं। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो यहां पर विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार से हाथ मिलाना चाहती है, यानी कि राम फैक्टर को लेकर उसमें विश्वास नहीं है, उसे नहीं लगता कि अपने दम पर वो अगर चुनाव लड़े तो बिहार में उसे 30-35 सीटें मिल सकती हैं। और दूसरी तरफ अशोक चौधरी और विजय चौधरी नीतीश कुमार को लगातार समझा रहे थे कि भाई राम वेव है, राम के नाम पर लहर है, इसीलिए आप भाजपा से हाथ मिला लीजिए। मगर आपके जहन में एक और सवाल होगा कि आखिर विजय चौधरी और अशोक चौधरी ये काम क्यों कर रहे हैं। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आप भाजपा के साथ दो दो हाथ करना चाहते हैं ना, भूल जाइए राजनीतिक विरोधी के तौर पर भी, अगर आप पत्रकार होने के नाते भी इस सरकार से सवाल उठाना चाहते हैं तो आपका दामन होना चाहिए पाक साफ। आज की तारीख में भाजपा के सामने वही खड़ा रह सकता है चाहे वो राजनेता हो, या वही सवाल कर सकता है चाहे वो पत्रकार हो, जिसका दामन पाक साफ हो, जिसकी अलमारी में एक भी गुप्त राज ना हो, जिसका सहारा लेके भाजपा आपको ब्लैकमेल कर सकती है, एजेंसीज आप पर छोड़ी जा सकती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ना, आप मेरी बात कर लीजिए। इनकम टैक्स के जरिए झूठा केस हम पर फाइल किया गया, ईडी ने मुझसे पूछताछ की, मेरे घर पर एंटी टेरर सेल, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल मेरे घर में घुस गई। मेरे बारे में कहा जाते रहा कि भाई चाइना से पैसा लिया है। कोई सबूत नहीं। क्या मैंने इस सरकार से सवाल पूछना बंद किया? बिल्कुल नहीं बंद किया। क्यों? विश्वास अपनी ईमानदारी पर।
और जाहिर सी बात है वो लोग इस सरकार से सवाल नहीं कर सकते जिनके बैंक अकाउंट्स में कई राज छुपे हुए हैं। विदेशों में कई लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं या कई राज विदेशों में छुपे हुए हैं या द्वारका में कोई राज छुपा हुआ है। जिन लोगों के ये राज हैं वो भाजपा से सवाल नहीं कर सकते। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि विजय चौधरी और अशोक चौधरी की कोई कमजोर नब्ज भाजपा के हाथ में रही होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मगर बड़ा सवाल यह कि अगर भाजपा खुद राम लहर को लेकर बिहार में कॉन्फिडेंट नहीं है, बिहार में आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर यह बात विजय चौधरी और अशोक चौधरी लगातार नीतीश कुमार को क्यों कह रहे हैं? और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 24 की इस खबर के मुताबिक नीतीश कुमार को पलटू बता दिया है। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए सुनते हैं। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के इस कदम से यकीनन उनके राजनीतिक चरित्र पर पलटू का ठप्पा लग गया है। और दूसरी तरफ तेजस्वी लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, कहने को उनकी राजनीतिक जमीन बिहार पर है, मगर यह व्यक्ति लगातार नौकरियों की बात कर रहा है, लगातार कह रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से आपका पेट नहीं भरेगा, जरूरी है नौकरी मिलना। सुनिए अभी एक ही दिन पहले उन्होंने क्या कहा था। पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है देश सरकार तरह उन्होंने देने का काम, इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं किया, और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। हम सब लोग ने कमिटमेंट किया था, उस चीज को हम लोग पूरा करें। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव का जो कद है वो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में जो भी गठबंधन होता है, वहां के जो राजनीतिक दलों में जो भी सांठगांठ होती है, उसमें तेजस्वी यादव को केंद्र में होना होगा, धुरी होना पड़ेगा, तब जाकर महागठबंधन को फायदा मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार के छोड़ के जाने को लेकर करारा झटका लगा है महागठबंधन को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की अब भी जमीन पर पैठ है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह इंडिया गठबंधन के लिए करारा झटका है, खासतौर से ममता बनर्जी का जो रवैया था और उसके बाद नीतीश कुमार का, और यह कांग्रेस के लिए कई सवाल खड़े कर रही है दोस्तों। कांग्रेस कटघरे में है कि क्या कांग्रेस के अहंकार का शिकार गठबंधन हो रही है, मगर आज वो दिन नहीं है दोस्तों, आज कटघरे में भाजपा है। भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो विचारधारा विहीन पार्टी है, वो किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है, वो महबूबा मुफ्ती के साथ भी हाथ मिला सकती है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अजीत पवार को लगातार गाली देने के बाद उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं,
वो तमाम एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक जिनकी जांच ईडी कर रही थी, जांच एजेंसीज कर रही थी, वो लोग सरकार में शामिल हो सकते हैं और मामले बंद हो सकते हैं। लंबे चौड़े दोस्तों नाम है, हेमंत बिस्व शर्मा को ही ले लीजिए, कितने केसेस थे, आज वो भाजपा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भाजपा ने ये साबित कर दिया है और अपने जो उसके समझदार समर्थक हैं उन्हें समझाना उसके लिए मुश्किल होगा कि क्या उसकी कोई विचारधारा नहीं है, क्या सिद्धांत विहीन राजनीति है भाजपा की। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई जिसने इस तरह से समझौता किया है, बार बार समझौता किया है। शॉकिंग है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जो मैंने अभी अभी आपको अमित शाह का बयान सुनाया, क्या कोई भी गोदी मीडिया उस पुराने बयान को चला रहा है? गोदी मीडिया में आप कवरेज देखिए, सब कह रहे हैं प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। यकीनन राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, मगर राजनीति में कुछ मर्यादाएं भी तो होनी चाहिए। बड़ा सवाल यहां पर, आखिर क्यों बगैर सिद्धांतों के यहां पर चला जा रहा है, आखिर क्यों गोदी मीडिया यह सवाल नहीं करता। हकीकत यह है दोस्तों कि जहां नीतीश कुमार ने खुद को राजनीतिक तौर पर एक हल्का आदमी साबित किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी साबित कर दिया है कि उसके लिए ना राष्ट्रवाद के कोई मायने हैं, ना श्रीराम के कोई मायने हैं। उसके लिए मायने अगर कुछ रखता है तो सत्ता में बने रहना, वरना इसी नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या क्या कहा था। याद है आपको, अभी कुछ ही दिनों पहले विधानसभा में नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर किस तरह से बवाल किया था भाजपा और उसकी समर्थक मीडिया ने। क्या गोदी मीडिया नीतीश कुमार का वो पुराना बयान चला रही है? अब नहीं चला रही है ना, यानी कि मीडिया सवाल नहीं करेगा और भाजपा को भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए भाजपा को भी ढोंग बंद करना चाहिए, देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, पाकिस्तान चले जाओ का, या फिर हमारे श्री राम के नाम पर वोट बटोरने का। आप एक सिद्धांत विहीन पार्टी हैं, ये साबित हो गया है।